खबरें मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीय। लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और हिसार लोकसभा सीट से 46 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार भी चुनावी दंगल में उतरने वाले सभी उम्मीदवार पुरुष हैं और कोई महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं है। 46% महिला मतदाताओं के सामने विकल्प के तौर पर सभी पुरुष उम्मीदवार हैं। ये विडंबना है कि 1952 से पहले आम चुनावों से लेकर अब तक हिसार सीट पर केवल 5 महिला उम्मीदवार ही मैदान में उतरी और कोई महिला उम्मीदवार जीतकर संसद नहीं पहुंची हैं। हरियाणा की राजनीति में हिसार लोकसभा सीट कई मायने में अहम है। 17वें लोकसभा चुनाव में इस सीट को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। जीत के समीकरणों को साधते हुए पार्टियों ने बड़े राजनीतिक घरानों से ही उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी से भव्य बिश्नोई, भाजपा से ब्रजेंद्र सिंह, आप से दुष्यंत चौटाला व इनेलो से सुरेश कौथ उम्मीदवार हैं। इनके अलावा 25 आजाद उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। गत चुनावों में जहां एक महिला बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में थी, लेकिन इस बार तो आजाद उम्मीदवार के रूप में कोई महिला चुनाव मैदान में नहीं है। कुल 46 उम्मीदवार मैदान में है, जो 1952 के पहले चुनावों से अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हिसार लोकसभा क्षेत्र के हासिये, हिसराय, उचनाय, आदमपुर, नारंदोए, नलवाय, भवानी, खेड़ाए, बरवालाए, उकलाना शामिल है। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल वोटरों की संख्या 15,80,449 है, जिसमें 7,28,514 महिला वोटर है। हैरत की बात है कि इतनी बड़ी आबादी राजनीतिक भागीदारी के मामले में पुरुषों से पीछे है। 1952 में देश के प्रथम आम चुनाव से लेकर 1980 तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने महिला उम्मीदवार को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं, 1952 से लेकर 32 सालों तक कोई आजाद महिला उम्मीदवार भी हिसार लोकसभा मैदान में नहीं उतरी। 1984 के आम चुनावों में सुमित्रा देवी व हरबंस कौर ने इस परंपरा को तोड़ते हुए पुरुषों के खिलाफ मैदान में ताल ठोकी थी। हालांकि दोनों को चुनाव जीतना तो दूर, ये महिला प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में भी सफल साबित नहीं हो सकी थी। इसके बाद 1996 में विद्या देवी बतौर आजाद उम्मीदवार चुनावी जंग में उतरी थी और वो भी चुनाव हार गईं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।